ओम शांति। आज 2 अप्रैल 2020 के साकार बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। रूह रिहान मीन्स सोल टू सोल कम्युनिकेशन, बातचीत। मीठे बच्चे, बाप तुम रूहों से रूह रिहान करते हैं। तुम आए हो बाप के पास 21 जन्मों के लिए अपनी लाइफ इंश्योर करने। तुम्हारी लाइफ ऐसी इंश्योर होती है जो तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य भी अपनी लाइफ इंश्योर कराते हैं और तुम बच्चे भी, दोनों में अंतर क्या है? तो बाबा ने कहा, मनुष्य अपनी लाइफ इंश्योर कराते कि मर जाए तो परिवार वालों को पैसा मिले। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं। आत्मा का ज्ञान इतना अच्छा हो कि अमरत्व का ही एहसास हो सिर्फ। तुम बच्चे इंश्योर करते हो कि 21 जन्म हम मरे ही नहीं, अमर बन जाए। सतयुग में कोई इंश्योर कंपनियां होती नहीं। अभी तुम अपनी लाइफ इंश्योर कर देते हो, फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। फिर कभी मरेंगे नहीं, यह खुशी रहनी चाहिए। गीत है ये, कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों से रूह रिहान करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको अभी 21 जन्म तो क्या 40-50 जन्मों के लिए इंश्योर कर रहे हैं। कई बार बाबा ये बात कहते हैं, तुम 3 युगों तक सुख पाते हो, द्वापर युग तक भी। वो लोग इंश्योर करते हैं कि मर जाएं तो उनके परिवार को पैसा मिले। तुम इंश्योर करते हो कि 21 जन्मों के लिए मरे ही नहीं, अमर बनाते हैं ना। तुम अमर थे, जब तक हम सोल कॉन्शियस थे तब तक अमर थे, मरने का कोई डर नहीं था। मूल वतन भी अमर लोक है, वहां मरने जीने की बात ही नहीं। मूल वतन शांति धाम में तो मरने जीने की कोई बात ही नहीं। तो वो आत्माओं का निवास स्थान है। अब यह रूह रिहान बाप अपने बच्चों से करते हैं और कोई से नहीं करते। जो रूह अपने को जानती है उनसे ही बात करते हैं, बाकी और कोई बाप की भाषा को समझेंगे नहीं। प्रदर्शनी में इतने आते हैं, तुम्हारी भाषा को समझते हैं क्या? जो तुम समझाते हो वो बात क्लियर नहीं समझते, ये कहते हैं अच्छा है बस। कोई मुश्किल थोड़ा समझते हैं। तुमको भी समझाते समझाते कितने वर्ष हुए हैं तो भी कितने थोड़े समझते हैं। है भी सेकंड में समझने की बात। हम आत्माएं जो पावन थी वही पतित बनी हैं, फिर हमको पावन बनना है। उनके लिए स्वीट फादर को याद करना, पावन बनने के लिए स्वीट फादर को याद करना है। उनसे स्वीट और कोई चीज होती नहीं। इस याद करने में ही माया के विघ्न पड़ते हैं। यह भी जानते हो, बाबा हमको अमर बनाने आए हैं। पुरुषार्थ कर, अमर बन, अमरपुरी का मालिक बनना है। अमर तो सब बनेंगे। जब तक आत्मा थे, आत्मा का ही एहसास था, हम अमर ही थे। सतयुग को कहा ही जाता है अमर लोक, यह मृत्यु लोक, जहां मरने का डर बना रहता है।
देह समझते हैं और देह छूटने का डर, यह मृत्यु लोक है। तो यह अमर कथा है। ऐसे नहीं कि सिर्फ शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, वह तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुम बच्चे सिर्फ एक से ही सुनो, माम एकम याद करो, मुझ एक से ही सुनो और माम एकम याद करो। ज्ञान मैं ही दे सकता हूँ, ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया तमो प्रधान बनी है। अमरपुरी में राज्य करना, उसको ही अमर पद कहा जाता है। वहाँ इंश्योर कंपनियाँ आदि होती नहीं। अभी तुम्हारी लाइफ इंश्योर कर रहे हैं, तुम कभी मरेंगे ही नहीं। ये बाबा ने अभय दान दिया, जैसे आत्मा का ज्ञान समझाया कि आत्मा कभी मरती नहीं और तुम आत्मा हो, तुम कभी मरेंगे नहीं, ये बुद्धि में खुशी रहनी चाहिए। हम अमरपुरी के मालिक बनते हैं तो अमरपुरी को याद करना पड़े, वाया मूल वतन ही जाना होता है, तो यह भी मनमना भव हो जाता है। मूल वतन है मनमना भव, अमरपुरी है मध्याजी भव, जहाँ अपना लक्ष्य याद आए, जहाँ जाना है वो अमरपुरी है मध्याजी भव। हर एक बात में दो अक्षर ही आते हैं, तुमको कितने प्रकार से अर्थ समझाते हैं तो बुद्धि में बैठे। सबसे ज्यादा मेहनत तो इसी में है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। बाबा को पता है सबसे ज्यादा मेहनत इसी में है। हम आत्मा ने यह जन्म लिया है, 84 जन्म में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल फिरते आए हैं। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने, ये बाबा ने याद कराए हैं, लेकिन यह भी तुम बच्चे भूल जाते हो। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, स्वीट बाप को याद करना। उठते बैठते यह बुद्धि में रहने से खुशी रहेगी। फिर से बाबा आया हुआ है, जिसको जिसको हम आधा कल्प याद करते थे कि आओ आकर पावन बनाओ। पावन रहते हैं मूल वतन में और अमरपुरी सतयुग में। भक्ति में मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं मुक्ति में व कृष्णपुरी में जाने के लिए। मुक्ति कहो अथवा निर्वाण धाम कहो, वानप्रस्थ अक्षर करेक्ट है। वानप्रस्थी तो शहर में ही रहते हैं, सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं। आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं, वो डिटैच होते थे, सन्यासियों के पास रहते थे। तो बाबा कहते आजकल के वानप्रस्थियों में कोई दम नहीं है, सन्यासी तो ब्रह्म को ही भगवान कह देते हैं, ब्रह्म लोक नहीं कहते। अभी तुम बच्चे जानते हो पुनर्जन्म तो किसी का भी बंद नहीं होता, अपना अपना पाठ सब बजाते हैं। आवागमन से कभी छूटना नहीं है, इस समय करोड़ों मनुष्य हैं और भी आते रहेंगे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर खाली होगा। मूल वतन है फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन है सेकंड फ्लोर और ये है थर्ड फ्लोर, अथवा इनको ग्राउंड फ्लोर कहो, दूसरा और कोई फ्लोर तो है नहीं। वह समझते हैं स्टार्स में भी दुनिया है, ऐसे है नहीं। फर्स्ट फ्लोर में आत्माएं रहती, ऊपर से बाबा गिन रहे हैं ना, तो वो ऊपर में आत्माएं रहती, बाकी मनुष्यों के लिए तो यह दुनिया है। तुम बेहद के वैरागी बच्चे हो, तुम्हें इस पुरानी दुनिया में रहते हुए भी, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखना है। यह मुख्य पुरुषार्थ है
क्योंकि यह सब खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कि संसार बना ही नहीं, बाबा रियलिस्टिक बात बताते हैं, बना हुआ है लेकिन इसमें फंसना नहीं है, देखते हुए भी नहीं देखना है। बना हुआ है परंतु उनसे वैराग्य हो जाता है, अर्थात सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के बाद है ज्ञान, फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता। बुद्धि से समझते हो कि यह पुरानी दुनिया है, यह हमारा अंतिम जन्म है, अभी हमको वापस जाना है। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है। उल्टे सुलटे खान पान आदि की कोई आदत नहीं डालनी चाहिए। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। इसीलिए छोटे बच्चे जो ज्ञान में आते हैं तो उनमें शुरू से ही शुद्ध खान पान की आदत पड़ जाती है। छोटेपन से जैसी आदत डालो वैसी आदत पड़ जाती है। आजकल संग का दोष बड़ा गंदा है, संग तारे कुसंग बोरे, तो यह विषय सागर वैशाल्य है। तो सत तो एक ही परम पिता परमात्मा है, गॉड इज वन कहा जाता है। वह आकर सत्य बात समझाते हैं। बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, मैं तुम्हारा बाप तुमसे रूह रिहान कर रहा हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे तुम बुलाते हो ना, वही ज्ञान का सागर पतित पावन है, नई सृष्टि का रचयिता है, पुरानी सृष्टि का विनाश कराते हैं। यह त्रिमूर्ति तो प्रसिद्ध है, ऊंचते ऊंच है शिव। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनों का साक्षात्कार भी होता है क्योंकि पवित्र है ना। उन्हों का चैतन्य में इस आँखों से देखा देख नहीं सकते, बहुत नोधा भक्ति से देख सकते हैं, जिसको वो कहते दर्शन होते हैं। समझो कोई हनुमान का भक्त होगा तो उनका साक्षात्कार होगा। शिव के भक्त को तो झूठ बताया गया है कि परमात्मा अखंड ज्योत स्वरूप है, इतनी बड़ी ज्योत है जो कहीं खंडित नहीं होती, हर जगह है। बाप कहते, मैं तो इतनी छोटी सी बिंदी हूँ। वह कहते हैं, अखंड ज्योत स्वरूप अर्जुन को दिखाया, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, बहुत तेजोमय ज्योति के, जो देख नहीं सका उसकी तरफ। उसने कहा, बस मैं सहन नहीं कर सकता। उनको दीदार हुआ, ये गीता में लिखा हुआ है। मनुष्य समझते हैं अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। अब बाप कहते, यह सब भक्ति मार्ग की बातें दिल खुश करने की है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। इसी को लोगों ने ब्रह्म समझ लिया, आकाश जितना पोलार में ज्योत ही ज्योत है ये समझ लिया। बाबा कहते, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मैं अखंड ज्योति स्वरूप हूँ। जैसे बिंदी मिसल तुम्हारी आत्मा है वैसे मैं हूँ, जैसे तुम ड्रामा के बंधन में हो वैसे मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, चाहे मात्र एक जन्म के लिए, लेकिन बंधन तो है ना, उसी शरीर में आना है और बात करनी है बच्चों से। सब आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, पुनर्जन्म तो सबको लेना ही है, नंबर वार सबको आना ही है। पहले नंबर वाला फिर नीचे आता है। कितनी बातें बाप समझाते हैं, यह समझाया है कि सृष्टि रूपी चक्र फिरता रहता है,
जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे कलयुग के बाद सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और कलयुग, फिर संगम युग आता है। संगम युग पर ही बाप चेंज करते हैं, जो सतो प्रधान थे अब वही तमो प्रधान बने हैं, वही फिर सतो प्रधान बनेंगे। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो अब बाप कहते हैं मन मना भव, मैं आत्मा हूँ, मुझे बाप को याद करना है। यह यथार्थ रीति कोई मुश्किल ही समझते हैं, हम आत्माओं का बाप कितना मीठा है, आत्मा ही मीठी है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं, प्यार तो आत्मा में ही होता है ना, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं, ये प्यार करना ये भी तो संस्कार है ना, आत्मा ही पढ़ती सुनती है, देह तो खत्म हो जाती है, मैं आत्मा अमर हूँ, फिर तुम मेरे लिए रोते क्यों हो। जो शरीर छोड़ जाए तो रोते हैं बाबा कहते हैं, जबकि आत्मा तो मरी नहीं, वो तो अमर है। यह तो देह अभिमान है ना, तुम्हारा देह में प्यार है, होना चाहिए आत्मा में प्यार, अविनाशी चीज में प्यार होना चाहिए, विनाशी चीज में प्यार होने से ही लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है देही अभिमानी, इसीलिए खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, रोना पीटना कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को अपनी आत्मभिमानी अवस्था बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश सुनाता हूँ। हमारा भाई इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ। मैं आत्मा, वो आत्मा, आत्मा भाई को सुना रहा हूँ, वो भी इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनता है, ऐसी अवस्था जमाओ, बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश होते रहेंगे। खुद को भी आत्मा समझो, उनको भी आत्मा समझो, तब पक्की आदत हो जाए। यह है गुप्त मेहनत, अंतर्मुखी हो इस अवस्था को पक्का करना है। जितना समय निकाल सको उतना इसमें लगाओ, 8 घंटा तो धंधा आदि भले करो, नींद भी करो, बाकी इसमें लगाओ। 8 घंटा तक पहुंचना है, तब तुमको बहुत खुशी रहेगी। योग का चार्ट 8 घंटे तक पहुंचाना है, तब बाबा कहते तुमको खुशी रहेगी। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। ज्ञान तुमको अभी ही संगम पर मिलता है, महिमा सारी इस संगम युग की है, जबकि बाप बैठ तुमको ज्ञान समझाते हैं, इसमें स्थूल कोई बात नहीं। यह जो तुम लिखते हो वह सब खत्म हो जाएगा, नोट भी इसीलिए करते हैं कि पॉइंट्स नोट होने से फिर याद रहेगी। कोई की बुद्धि तीखी होती है तो बुद्धि में याद रहती है, नंबर वार तो है ना, मुख्य बात बाप को याद करना है और सृष्टि चक्र को भी याद करना है, कोई विकर्म नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, पवित्र जरूर बनना है। कोई गंदे ख्यालात वाले बच्चे समझते हैं हमको यह फलानी बहुत अच्छी लगती है, इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें,
कुमारों में ऐसे संकल्प नहीं आने चाहिए, इसलिए बाबा उदाहरण देके बताते हैं कि इनसे हम गंधर्वी विवाह कर लें, परंतु गंधर्वी विवाह तो तब कराते हैं जब कि कोई बंधन हो, मित्र संबंधी आदि बहुत तंग करते हैं, तो उनको बचाने के लिए, ये नहीं कि अपना दिल किया, उनको बचाने के लिए ऐसे थोड़े सब कहेंगे हम गंधर्वी विवाह करें। वह कभी रह नहीं सकेंगे, पहले दिन ही जाकर गटर में पड़ेंगे, क्योंकि नाम रूप में दिल लग जाती है ना। यह कोई सेवा का संकल्प नहीं है, ये तो नाम रूप में दिल लग गई और गटर में गिर पड़े, यह तो बड़ी खराब बात है। गंधर्वी विवाह करना कोई मासी का घर नहीं है, क्योंकि उसके बाद भी पूरी तरह बाबा की सेवा में ही लगे रहना होता है। बाबा कहते यह गंधर्वी विवाह करना शक्ति का काम है, कोई मासी का घर नहीं है। एक दो से दिल लगी तो कह देते गंधर्वी विवाह करें, उस समय किसी की ऐसी स्थिति होगी जो बाबा ने नोट किया। इसमें संबंधियों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए, समझना चाहिए यह बच्चे काम के नहीं है। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, अगर संबंधी ज्ञान में चलते होंगे तो वो ये मदद कर सकते हैं। जिससे दिल लगी है उससे हटा देना चाहिए, नहीं तो बातें करते रहेंगे। इस सभा में बड़ी खबरदारी रखनी होती है, आगे चल बड़ी कायदेसर सभा लगेगी। सभा माना क्लास में जब आते हैं तो ध्यान रखना है, ऐसे ऐसे ख्यालात वाले को आने ही नहीं देंगे। जो बच्चे रूहानी सर्विस पर तत्पर रहते हैं, जो योग में रहकर सर्विस करते हैं, वही सतयुगी राजधानी स्थापन करने में मददगार बनते हैं। सर्विसेबल बच्चों को बाप का डायरेक्शन है, आराम हराम है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह जरूर राजा रानी बनेंगे। जो जो मेहनत करते हैं आप समान बनाते हैं, उनमें ताकत भी रहती है। स्थापना तो ड्रामा अनुसार होनी ही है। अच्छी रीति सब पॉइंट्स धारण कर फिर सेवा में लग जाना चाहिए। आराम भी हराम है, सेवा ही सेवा तब ऊंच पद पाएंगे। बादल आए रिफ्रेश होकर गए सर्विस पर, सर्विस तो तुम्हारी भी बहुत निकलेगी। किसम किसम के चित्र निकलेंगे जो मनुष्य झट समझ जाएं, तो ये चित्र आदि भी इम्प्रूव होते जाएंगे। तो इसमें भी जो हमारे ब्राह्मण कुल के होंगे वह अच्छी रीति समझेंगे, समझाने वाले भी अच्छे हैं तो कुछ समझेंगे। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं, बाप को याद करते हैं, उनके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है कि बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेंगे, तो उनके अंदर खुशी के ढोल बजते रहेंगे। सर्विस का बहुत शौक होगा, रिफ्रेश हुए और यह भागे। सर्विस के लिए हर एक सेंटर से बहुत तैयार होने चाहिए, बहुत बीके तैयार होने चाहिए। तुम्हारी सर्विस तो बहुत फैलती जाएगी, तुम्हारे साथ मिलते जाएंगे, आखिरी एक दिन सन्यासी भी आएंगे। अभी तो उनों की राजाई है, उनों के पैरों पर पड़ते हैं, लोग उन्हें पूजते हैं। बाप कहते यह भी भूत पूजा है, शरीरों की पूजा है ना, भूत पूजा है, मेरे तो पैर है नहीं इसीलिए पूजने भी नहीं देंगे। मैंने तो यह तन
लोन लिया है, इसीलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। इस समय तुम बच्चे बहुत सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम यहाँ ईश्वरीय संतान हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो जो बहुत काल से अलग रहे हैं वही आते हैं, उनको ही आकर पढ़ाता हूँ। कृष्ण के लिए थोड़े कह सकेंगे, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, तो यह उनका अंतिम जन्म है, इसीलिए नाम भी इस एक का ही श्याम सुंदर पड़ा। शिव का तो किसी को पता नहीं है कि वह क्या चीज है, यह बात बाप ही आकर समझाते हैं। मैं हूँ परम आत्मा, परम धाम में रहने वाला, तुम भी वहाँ के रहने वाले हो। मैं सुप्रीम पतित पावन हूँ, तुम अभी ईश्वरीय बुद्धि वाले बने हो। ईश्वर की बुद्धि में जो ज्ञान है वह तुमको सुना रहे हैं। सतयुग में भक्ति की बात नहीं होती, यह ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को जमाना है, अभ्यास करना है। मैं आत्मा हूँ, अपने भाई आत्मा को बाप का संदेश देता हूँ। ऐसा आत्मभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। दूसरा पॉइंट है, रूहानी सर्विस का शौक रखना है, आप समान बनाने की मेहनत करनी है। संघ का दोष बड़ा गंदा है, बचना है इससे, उससे अपने को संभालना है, उल्टे खान पान की आदत नहीं डालनी है। वरदान दिया आज बाबा ने, खुदाई खिदमतगार की स्मृति द्वारा सहज याद का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। खुदाई खिदमतगार अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत दी है, सेवा दी है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले। सदा यही नशा रहे कि हमें स्वयं खुदा ने खिदमत दी है। कार्य करते हुए जिसने कार्य दिया उसको कभी भूला नहीं जाता, तो कर्मना सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन अनुसार कर रहे हैं, तो सहज याद का अनुभव करते सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। ओम शांति, ओम शांति।